कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी गाजी साहब, क्यों लेके आए हैं? ये एक पोस्टर लेके आए हैं, एक आवेदन लेके आए हैं, क्या विषय है? ये सैयद वसीम रजा जो है यूट्यूबर है, जिनके मतलब 4 मिलियन फॉलोअर हैं इनके, फेसबुक आईडी भी इनकी बनी हुई है। तो फेसबुक आईडी को किसी ने हैक कर लिया गया। अब उसमें क्या है कि मतलब कोई बात ऐसा न्यूसेंस पैदा ना हो हमारे खंडवा शहर के अंदर, क्योंकि इनके फॉलोअर कहीं लाखों की तादाद के अंदर है। तो जिसने हैक किया तो उसके अंदर आपत्तिजनक पोस्ट भी कर रहा है, मतलब कोई असली नंगी तस्वीरें डाल रहा है, और ऐसा ना हो खंडवा शहर में हिंदू मुसलमान साम्प्रदायिकता का माहौल बन जाए, तो उसमें कोई दंगा भड़काने वाली कोई चीज़ें डल जाए। तो इसको देखते हुए मतलब जो सैयद वसीम रजा तभी इंदौर में है, वो हमारे मतलब परिचित है, तो हमारे संज्ञान में आया, तो हमने एसपी साहब को इस बात को नॉलेज में डाला है कि इसको देखा जाए, साइबर सेल में इसकी जाँच की जाए, और जो जिसने इसको हैक किया उसको मतलब अपनी गिरफ्त मिले, उसे कड़ी सजा दे, ताकि हमारे शहर में अमन शांति कायम रहे। क्योंकि हमारे शहर में कभी ईद मिलाद नबी का त्यौहार आने वाला है, गणेश जी आने वाले हैं, मतलब माता जी बैठे हैं, दशहरा, दिवाली, मतलब सभी त्यौहार आने वाले हैं सर। तो हम नहीं चाहते हमारे शहर में कोई न्यूसेंस पैदा हो, किसी कोई बात हो जाए। इसको हम लेते हुए मतलब आगे के हम देखते हुए हमने एस पी साहब को आवेदन दिया, एस साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसको जल्द जल्द से कोई एक्शन लेंगे, और जो भी आरोपी जो है उसे पड़ोसी खड़ी सजा दी जाएंगी, उसको अंदर किया जाएगा। यूट्यूब चैनल हुआ या फेसबुक हैक हुआ? ये फेसबुक हैक हुआ सर, फेसबुक का जो पेज होता है ये पेज हैक करेगा। अच्छा, तो किस तरह की ये लोग जो ये वसीम सैयद वसीम भाई हैं, क्या डालते हैं इस पे? ये तो मोटिवेट करने के लिए मतलब वीडियो बनाते हैं, मतलब शहर में क्या संदेश देना चाहिए, भाईचारा संदेश देते हैं, अच्छा बुरा, पड़ोस के साथ कैसा रिया जाता है, दोस्त के साथ दोस्ती कैसी की जाती है, एक मोटिवेशन करने हिसाब से मोटिवेट वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी, तभी तो इनके 40 लाख फॉलोअर है पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश में लोग उनको पसंद करते हैं। इसके साथ में हमारे ये साथ में हमारे रोशन जमीर हैं, इनके 50 लाख फॉलोअर हैं इनके भी। खंडवा शहर के 2 यूट्यूबर टॉप पे चल रहे हैं, सबसे ऊपर नाम आता है रोशन जमीर का आता, सेकंड नंबर सैयद वसीम रजा का नाम आता है। तो ये लोग अभी शहर के अंदर बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं, लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं। शिकायत कर दी आपने? हमने शिकायत कर दी, एसपी साहब ने हमें पूरी तरह आश्वासन दिया है। तो क्या कोई मतलब गलती हुई थी वसीम भाई से जिसके चलते हैक हो गया, या हैकर ने कैसे? कोई वसीम जैसे कोई, बल्कि वसीम रजा की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो कहीं ना कहीं जला नसत किसी को हुई है, तो इस बहाने उन्होंने इसको हैक करा ताकि पीछे भी खराब किए। अब आप लोग क्या चाहते? अभी हम चाहते हैं बस ये है कि भाई जिसने हैक करा है साइबर सेल उसकी छानबीन करे, उसको उठा के लेके आए, इनकी आईडी का भी थोड़ा तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ताकि कोई दूसरी कोई पोस्ट ना डल जाए। आपका परिचय? मैं मोहम्मद शब्बीर गादी, पार्षद रजत खानचली, वार्ड क्रमांक 36 खंडवा। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।